दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। हम अगर भारत का संविधान देखें दोस्तों, तो भारत के संविधान की रोशनी में कृषि क्या है? कृषि स्टेट सब्जेक्ट है और उससे जुड़े व्यापार के जो मसले हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, यानी केंद्र और राज्य दोनों के दायरे में। लेकिन अगर हम किसानों और कृषि से जुड़े उनके माल के बेचने के लिए, उनके माल के बिकने की स्थितियों में जिन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, उनके लिए जो कानून पास कराया गया है, उसमें किसानों से कोई कंसल्टेशन ही नहीं। और तो और, स्टेट से कोई कंसल्टेशन नहीं। यानी जब किसी राज्य का मसला है तो आप राज्यों से भी फैसला नहीं करते, राज्यों से भी बातचीत नहीं करते कि भाई उनकी क्या ओपिनियन है, क्योंकि जो लोकल किसान है वो राज्य सरकारों को अपनी बात पहुंचाते हैं, लेकिन आपका कंसल्टेशन वहां भी नहीं। और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में जिस तरह, खासकर राज्यसभा में जिस तरह वोटिंग हुई और मंजूरी दिला दी गई कानूनों को, वो क्या था? उस पर इतने सवाल उठ गए हैं कि हाल के दिनों में, पिछले 6-7 सालों में इतने सवाल किसी भी मतदान की प्रक्रिया पर आज तक नहीं उठे जितने पार्लियामेंट राज्यसभा में इन जो कानूनों को लेकर प्रक्रिया चलाई गई उसको लेकर उठे हैं। ध्वनि मत से, वॉयस वोट से ये कानून पास कर दिए गए। लेकिन भारत का संविधान दोस्तों इस बारे में क्या कहता है? भारत का संविधान, उसकी आर्टिकल 100(1) क्या कहती है, जहां संसद में कार्य प्रणाली को लेकर चर्चा की गई है संविधान में। हमारे संविधान ने अपने प्रारूप में, अपने फाइनल रूप में क्या कहा था? कहा था कि संसद में जो भी फैसले होंगे वोटिंग से होंगे, मतदान से होंगे। ये आर्टिकल 101 बोलता है, अनुच्छेद 100। अब आप बताइए कि जो ध्वनि मत की प्रक्रिया है वो दरअसल हाउस की है, हाउस का रूल है, सदन का नियम है, और वो आपसी सहमति से बना है। तो आपसी सहमति अगर ध्वनिमत पर नहीं हो तो ध्वनिमत कैसे मंजूर किया जा सकता है? एक भी सदस्य अगर सदन का कहता है कि हमें ध्वनिमत मंजूर नहीं, हमें वोटिंग चाहिए, तो भारत के संविधान के आर्टिकल 101 के हिसाब से वोटिंग एकमात्र जरिया है किसी भी विधेयक को पास करने का भारत की संसद में। लेकिन हुआ क्या, हम सब ने देखा। और दूसरी बात दोस्तों, मैं कंक्लूड करूंगा इस मुद्दे पर, इस प्रक्रिया की, इसके बाद हम आएंगे किसानों के मसले पर, कि जो हमारी डेमोक्रेसी है, क्या हमने पहले भी जैसे कहा कि क्या ये शब्दों तक सीमित रह गई है, अर्थों का कोई मतलब नहीं है? हम उन किसानों से कोई कंसल्टेशन नहीं कर रहे हैं जिनके लिए सब कुछ है, और कर किससे रहे? केवल कारपोरेट से, केवल पूंजीपतियों से, केवल ट्रेडर से, फिक्की से, सीआईआई से, तमाम जितने चैंबर्स बने हैं हम उन सबसे कंसल्ट कर रहे हैं इन मामलों पर, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं किसानों से। तो ये मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में अनोखी डेमोक्रेसी अपने देश की है। आप जानते हैं दोस्तों, यूरोप से लेकर लैटिन अमेरिका के 38 देशों की सूची मेरे पास है जहां पार्लियामेंट में पारित हुए कानूनों को चैलेंज अगर जनता ने किया, समाज ने किया, स्टेक होल्डर्स ने किया, तो वहां अलग अलग इनिशिएटिव लेकर उनको बदला भी गया। कई बार रेफरेंडम तक कराने पड़े, नेशनल लेवल पर और रीजनल लेवल पर। आप कह सकते हैं कि भारत में इतना बड़ा मुल्क है कि रेफरेंडम कराया नहीं जा सकता है, लेकिन स्टेट्स के जरिए, रीजनल सेंटर्स के जरिए एक 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 सर्वे जैसे कराया जाता है, एक नमूना सर्वे कराया जाता है, वैसे ही आप बहुत सारे स्टेट से किसानों की कंसल्टेशन करा सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह के मसलों पर पार्लियामेंट को जरूर ये सोचना चाहिए कि क्या अपने देश में डेमोक्रेसी जो है वो वाकई सिमट रही है, क्या हम डेमोक्रेसी को वाकई एकदम नुमाइशी चीज बना रहे हैं और उसकी जगह फ्यूडोक्रेसी चल रही है, उसकी जगह कारपोरेट डेमोक्रेसी चल रही है, खासकर किसानों के मसले पर और मजदूरों के मसले पर जो हाल के कानून पास हुए हैं उसमें साफ नजर आता है कि ये कारपोरेट और फ्यूडो डेमोक्रेसी का ऐसा लगता है कि दबाव है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो पिचकती नजर आ रही है। और दोस्तों, कृषि से जुड़े जो विधेयक हैं
उनको तो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी या पार्लियामेंट की किसी भी सिलेक्ट कमेटी कहीं भी उसको भेजा नहीं गया। और जैसे कश्मीर के मामले में भी यही हुआ था, किसी कमेटी में कंसल्टेशन नहीं हुआ, ऑल ऑफ सडन वो आया। हमने देखा है पहले भी, यूपीए रिजीम की भी बात मैं करूंगा, 2005 में जब एसीजेट का कानून आया था बगैर कंसल्टेशन के पास कर दिया गया था, हमने वो दिन भी देखे हैं। तो हम केवल एनडीए की बात नहीं कर रहे हैं, इस मामले में अन्य सरकारों का भी जो रोल है, जो उनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत निराशाजनक रही है, लेकिन इस सरकार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और दूसरी बात दोस्तों कि इस बार किसानों से संबंधित जो मामला है उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बताऊंगा कि केवल यही एक विधेयक नहीं है, इसके पहले अगर आप देखें 2014 से 19 के बीच में जितने कानून पास किए गए, जितने विधेयक आए, उसमें हार्डली 25% जो है बिल वो कमेटीज को गए थे, यानी 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 जो पार्लियामेंट कमेटी है। और आप देखेंगे कि 15वीं और 14वीं जो लोकसभा थी उसमें क्रमशः 71% से लेकर 60% जो बिल थे वो कमेटी, जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उनमें गए थे। तो हमारा ये कहना है कि ये पार्लियामेंट्री कमेटी को मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है, और मिनी पार्लियामेंट इसलिए भी कहा जाता है कि कई बार पार्लियामेंट में एक संजीदा जो कई चीजें बहस नहीं हो पाती, कई बार पार्टीजन जो मामला आ जाता है, व्हिप का मामला आ जाता है, लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी में लोग बगैर किसी व्हिप के, बगैर पार्टीजन हुए गंभीर विमर्श करते हैं, और उसमें कई बार ऐसा होता है कि फैसला पलट दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि भारत में पार्लियामेंट्री कमेटी का जो सिस्टम है उसको मौजूदा रिजीम जो है एक तरह से न केवल डिस्करेज कर रही है बल्कि उसको मृत प्राय बना रही है। ये एक बड़ा खतरा है जो बताता है कि कैसे हमारी डेमोक्रेसी पिचक रही है। और दूसरी बात जो दोस्तों मैं बिल्कुल अंत में कहना चाहता हूं कि अभी जो किसानों के मामले में बहुत सारे दलीलें दी जा रही हैं, सरकार अब से ये कह रही है कि साहब ये जो बिल है इस बिल में एमएसपी जो है जारी रहेगा, लेकिन कई बार किसान नेता कह चुके हैं और हर नेता, हर जो किसान यूनियन है कह रही है कि अगर ऐसा है तो आप एमएसपी को बिल में क्यों नहीं जोड़ देते, आप एमएसपी जो शब्द है उसको इनकॉर्पोरेट क्यों नहीं करते, इसका कोई सरकार के पास जवाब नहीं है। अब इस देश में प्रधानमंत्री से लेकर जितने मंत्री है कह रहे हैं कि ये जो बिल है इससे आपको किसानों को अपना सामान, अपना उत्पाद बेचने की फ्रीडम होगी। क्या पहले फ्रीडम नहीं थी? कि कौन कहता है कि फ्रीडम नहीं थी? कोई भी किसान कहीं भी अपना सामान बेच सकता था, अपना उत्पाद बेच सकता था। हाँ, ट्रेडर्स के लिए आप कह सकते हैं, कॉर्पोरेट के लिए कह सकते हैं कि वो बंदिश थी जो आपने इस बार इस कानून के जरिए दे दी है। तो हमारा ये कहना है कि जो हमारे हमारे देश में जो एपीएमसी, अब ये जो एपीएमसी हैं इनको जो डिमोलिश जिस तरह से किया जा रहा है या किया जाएगा इस पूरे कानूनों के लागू होने के बाद, तो उनके पैरेलल, उनके बरोबर जो एक बड़े ट्रेडर्स की, बड़े कारपोरेट की जो नई नई जो मंडियां बनेंगी उसके भी आढ़ती होंगे खास ढंग के। उनको आप आढ़ती कहिए या सुपर एजेंट कहिए या डीलर कहिए, वो सारा का सारा वो तंत्र उसी तरह का होगा, बल्कि केवल कॉर्पोरेट के अधीन होगा, और जो सरकारी तंत्र है वो खत्म कर दिया जाएगा। तो जब सरकारी तंत्र खत्म किया जाएगा उसके लिए प्रावधान किया है सरकार ने, कॉर्पोरेट प्रिय सरकार, उसने कहा कि आप इसको किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते, यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई भी मामला है किसी भी इशू पर कोई भी किसान कोर्ट में नहीं जा सकेगा, वो अधिक से अधिक एसडीएम और डीएम के यहां जाएगा। और हम सब जानते हैं कि प्रशासन के अधीन अगर एसडीएम डीएम है तो वो कॉर्पोरेट, अगर सरकारी कॉर्पोरेट प्रिय हैं, कॉर्पोरेट से उनके संबंध हैं, तो कैसे वो फैसला करेंगे। इसके अलावा एक बड़ी बात कि निजी जो खाद्यान्न भंडारण है उसको सरकारी मंजूरी अब मिल जाएगी और इस कानून के बाद, और ये भारी महंगाई, भारी जमाखोरी का सबब बनेगा, ये कल्पना नहीं की जा सकती। इससे न केवल किसान बल्कि आम भारतीय भी प्रभावित होने जा रहा है। ये बहुत बड़ा मामला है दोस्तों, और सबसे बड़ा मामला कि संघीय ढांचे को ये पूरी तरह तोड़ मरोड़ कर रख देगा। ये जिस तरह से तोड़े मरोड़ेगा उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए हमारा कहना है कि ये जो पूरा का पूरा मसला है किसानों की आजादी का, एमएसपी का, इस पर जितना झूठ बोला जा रहा है उसमें कोई उसका आधार नहीं है। इसलिए किसानों और मजदूरों के लिए, अब मजदूरों के लिए तो ये आ गया कि 300 तक जो मजदूर होंगे जहां वहां भी आप
हायर और फायर चलाएंगे। आप हड़तालों को लेकर कानून आ गया कि हड़तालें नहीं की जा सकेंगी जब तक कि प्रॉपर नोटिस न दिया जाए। बहुत सारे मसले आते हैं जब नोटिस के बगैर हड़ताल करनी पड़ती है मजदूरों को, और आज के दौर में जो चीजें खास कर ये की गई हैं, कानूनी संशोधन जो किए गए हैं श्रम में, वो आम मजदूरों के लिए एक तरह से खतरे की घंटी ही नहीं है, उनकी जिंदगी के लिए, उनकी नौकरी के लिए, उनकी आजीविका के लिए बहुत बड़ा संकट है। और अंत में बिल्कुल जाते जाते ये कहा गया कि टीवी के पत्रकारों को और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के पत्रकारों को श्रमजीवी पत्रकार का कानून का कवच मिलेगा। अरे जब श्रमजीवी पत्रकार का के कानून के तहत नौकरियां ही नहीं रह गई हैं इस देश में, तो आप प्रिंट से लेकर टीवी तक कहां से देंगे? जब सारे लोग संविदा पर हैं, जब सारे कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, तो कहां से वो श्रमजीवी पत्रकार कानून लागू होगा? कानून को आप देखिए और बताइए कि क्या श्रमजीवी पत्रकार का जो एक्ट है उस एक्ट को लागू करने के लिए कोई जगह बची है इस कॉन्ट्रैक्ट के जमाने में? तो इन्हीं शब्दों के साथ आज बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।